आप अगर अपने गार्डनिंग को आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। जैसे आपने गुड़हल या गुलाब के प्लांट लगाए होंगे और इन प्लांट में ना ही कोई ग्रोथ होती है ना ही फ्लावरिंग होती है, तो नर्सरी से लाने के बाद हमें अक्सर ये परेशानी होती है, पौधों में ग्रोथ नहीं है, पौधे में कलियाँ नहीं बनती और जो नए पौधे लगाए होते हैं जैसे के वैसे ही पड़े हुए होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें बिल्कुल कलियाँ नहीं बन रही हैं और इन जो प्लांट हैं इनकी पत्तियाँ बिल्कुल डाल हो रही हैं और ना ही कोई शाइन है। तो इस तरह के जो समस्या है यानी प्रॉब्लम है इनके लिए बहुत आसान सा फर्टिलाइज़र बताऊँगी। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में दे पाएंगे, फ्रूटिंग प्लांट में दे पाएंगे और किसी भी तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट में भी दे पाएंगे, इवन अपने सकुलेंट प्लांट में दे पाएंगे, इंडोर प्लांट में भी दे पाएंगे। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र जो होते हैं मल्टीपर्पज़ होते हैं और इनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलती है। और मैं अपने प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो डालती ही हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर 235 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिनसे आप बहुत बढ़िया फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ ले सकते हैं। और साथ में मैं इनऑर्गेनिक भी यूज़ करती हूँ। तो आज ऐसे ही कुछ इनऑर्गेनिक दो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास ये दो फर्टिलाइज़र होने ही ज़रूरी हैं। जैसे हमारा ये विंका है, सदाबहार है, इस तरह भर भर के फ्लावरिंग करें सभी को ये अच्छा लगता है, तो ये फर्टिलाइज़र आप दे पाएंगे और ये विंका के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। तो ये पहला जो फर्टिलाइज़र है इसको आप जो अपने छोटे से छोटे प्लांट पे दे पाएंगे, जैसे अपने सीडलिंग लगाए होंगे, नए नए सीड जो उग जाते हैं दो या तीन पत्तियां आती हैं उनमें ये फर्टिलाइज़र दे पाएंगे। और ये पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों ही देते हैं और इनसे पौधे की ग्रोथ अच्छे से शुरू होगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप 10 दिन के गैप में अपने पौधे में दे पाएंगे। सिर्फ मात्रा का ध्यान रखना होता है क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत जल्दी देखने को मिलता है क्योंकि ये प्लांट में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये है एनपीके यानी बैलेंस एनपीके है ये। तो मैंने बहुत बार आपसे शेयर भी किया है, मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट पे ये एनपीके डालती हूँ, मिट्टी में नहीं डालती फ्रेंड्स, मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे हमेशा से ही अच्छा मिलता है। एनपीके बैलेंस एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही बैलेंस मात्रा में होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राम फर्टिलाइज़र लिया है, सिर्फ 2 ग्राम ही लेना है 1 लीटर पानी में और इतना ही काफ़ी है 1 लीटर फर्टिलाइज़र में देने के लिए। और ये आप अपने सारे पे दे पाएंगे, जैसे अपने गुड़हल प्लांट लगाए होंगे तो गुड़हल में कलियाँ नहीं बनती, फ्लावरिंग नहीं आती, तो इस तरह आप अपने गुड़हल में 10 दिन के गैप में प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, गुलाब में कलियाँ नहीं बनती और कलियाँ आती हैं तो अच्छे से खिलती नहीं है, गुलाब के जो अच्छे से कलियाँ हैं वो बनती भी नहीं है। तो इस तरह के प्लांट के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है और इसको आप 10 दिन के गैप में या 15 दिन के गैप में भी देंगे तो भी आपके प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो इस तरह के आप अपने सभी प्लांट पे डाल सकते हैं, जैसे आपने फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं या फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं। फ्रूटिंग प्लांट में तब भी देना है जब प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हुई है और प्लांट में कलियां बनना शुरू हो रहे हैं, तब आप देंगे तो इसका रिज़ल्ट बढ़िया होगा। आप अपने फ्रूट में मत डालिए, जब फ्रूट लग जाती है पौधे पे तब मत दीजिए क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन आप फ्रूटिंग प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो आप दे सकते हैं, कलियां बन रही हैं तो भी आप दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है प्लांट में बहुत आसानी से डाल सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत आसानी से ये आप अपने प्लांट में दीजिए, प्लांट की पत्तियाँ शाइनी रहेंगी। और बैलेंस एनपीके जो होता है हर एक प्लांट पे दे सकते हैं, अपने जो इंडोर प्लांट हैं इनमें भी दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट में इनमें भी दे सकते हैं। तो बैलेंस एनपीके मैं हमेशा से आपसे रिकमेंड करती हूँ जो अपने प्लांट पे ज़रूर देना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बता रही हूँ ये जो मैं मिट्टी में डालती हूँ कंपोस्ट, जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गया या काउडंग कंपोस्ट हो गया, ये मिट्टी में डालने ज़रूरी हैं। सिर्फ प्लांट के ऊपर जो हम स्प्रे करते हैं इससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाती है ठीक है, लेकिन मिट्टी में देना ज़रूरी है ताकि पौधे की सही ग्रोथ होती रहे और पौधे में इस तरह कलियाँ बनती रहे। तो मैं अपने एक्जोरा में भी डालती हूँ और मोगरा में भी डालती हूँ, मैंने आपसे शेयर भी किया है। इसके बाद मैं और एक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो मैं अपने प्लांट में डालती हूँ, गुड़हल में डालती हूँ ज़्यादातर,
और ये गुड़हल का जो कलिया बनती है लेकिन खिलती नहीं है, अच्छे से गिर जाती है, वो भी इससे कम हो जाती है। और पौधों की अगर सही ग्रोथ नहीं होती, जैसे आप बहुत सारा न्यूट्रिशन डालते हैं मिट्टी पर, फिर भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती, पत्तियां शाइनी नहीं बनती, पत्तियां छोटे छोटे आना शुरू हो चुके हैं, तो उस तरह के प्लांट में डाल सकते हैं। और ये भी एक केमिकल फर्टिलाइज़र ही है, तो ये गार्डनिंग को बहुत आसान बना देती है। मैं मिट्टी में नहीं डालती है। अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो एनपीके, बैलेंस एनपीके भी आप हाफ टी स्पून मिट्टी में एक बार में डाल सकते हैं। तो मिट्टी में अगर डालना है तो थोड़े मैच्योर पौधे में डालिए, और हाफ टी स्पून से ज़्यादा एक साथ में नहीं देना है। मिट्टी में थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी होनी ज़रूरी है, और साथ में देने के बाद हल्के से पानी देना होता है पौधे में। नया नया पौधा लगाया है इसमें नहीं देना है, और बिल्कुल पौधा छोटा है तो उसमें भी नहीं देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको भी आप मिट्टी में एक बार हाफ टी स्पून तक डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रिकॉशन है, इसको शाम के टाइम पौधे में इस्तेमाल करना है, सुबह को नहीं करना है, दोपहर को नहीं करना है। ये है पोटाशियम नाइट्रेट, यानी इसमें नाइट्रोजन भी है और साथ में पोटाशियम भी है, तो इससे पौधे की ग्रोथ भी बनी रहती है, और इसको पोटाशियम से प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सभी होती है। तो इसमें फॉस्फोरस नहीं है, ये है 13045, और इसमें 13% नाइट्रोजन होता है और 45% जो होता है पोटाशियम होता है। तो इसको मैं अपने गुड़हल में डालती हूँ, ये गुड़हल के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है, और इससे पौधे में जो पत्तियाँ होती हैं शाइनी बनी रहती हैं, कलियाँ आती हैं, बहुत अच्छे से खिलती भी हैं, और जो फ्लावर का साइज़ होता है या जो कलर होती है बहुत अच्छे से खिल के आती है। तो ये दोनों ही एनपीके फर्टिलाइज़र ही हैं, लेकिन इनका जो मात्रा का रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। पहला वाला जो मैंने बताया है आपसे, वो बैलेंस होता है, जिसमें 19-19-19 मैं यूज़ करती हूँ। इसमें आप 20-20-20 भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया है वो है पोटाशियम नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोजन और सिर्फ पोटाशियम ही होता है, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता। तो दोनों फर्टिलाइज़र मैं बदल बदल के यूज़ करती हूँ। एक बार मैंने बैलेंस एनपीके यूज़ किया, तो नेक्स्ट 10 डेज बाद मैं पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ करती हूँ। लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट जो होता है वो गुड़हल के लिए बेस्ट होता है, इसमें फॉस्फोरस नहीं होती, और इससे प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो इन दो फर्टिलाइज़र के अलावा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से, इन पर मैं हमेशा से वीडियो आपसे शेयर करती हूँ, और इनसे भी आप बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरह आपके मोगरे प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो 10 दिन के गैप में ये दो फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।